नीलम जी ने बाबा का बहुत सुंदर चित्र लगाया है, बहुत सुंदर। जिन्हें रोज में सहाला जाए सारे बातें जाए ना भाई जा मैं तुम्हारा भजन मनाला बेटी जय बाबा जी सभी को जय बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा। क्या बेहनपा जी अभी क्या सुषमा आंटी जय बाबा प्रॉब्लम हो गया था सिस्टम में, टाइम हो गया, शुरू करते हैं। जी जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा। बिलीवर्ड गॉड हेल्प अस ऑल टू लर्न यू मोर एंड एंड स्टिल येट मोर टिल वी बिकम वर्दी ऑफ यूनियन विथ यू एंड हेल्प अस ऑल टू होल्ड फास्ट टू बाबाज धामा till the very end. Avtaar Meher Baba ki jai, Avtaar Meher Baba ki jai, Avtaar Meher Baba ki jai. Sabko prem purvak jai baba. Abhi thodi der pehle kuch ho gaya tha system ka, laptop ka, iske liye abhi awaaz to aa rahi na, the voice. Yeah, thank you Junyavar bhau, ye kitab ko hum log pad rahe the voice, और इसमें हमने पिछले बार देखा था कि अभी बाबा वेस्ट में अपनी यात्रा करने जा रहे हैं। बाबा ने दूसरी बार ईरान की यात्रा की और अभी एसएस राजपूताना ये जहाज के लिए बाबा का बुकिंग किया गया। और यहाँ पर हम लोग को पिछले बार रुके थे कि पेज नंबर 211 और जो मेरिट स्टार ने वहाँ रिट्रीट बनाया था, वो रिट्रीट के लिए बाबा वहाँ पर रुके थे। बाबा की रूम का चित्र वगैरह हमने पिछले बार देखा था, यहाँ तक हमने पिछले बार देखा था। आज हम उसके आगे देखने जा रहे हैं। थोड़ा आवाज़ की प्रॉब्लम। अब इनकी मुलाकातें कैसी हुई, वो जहाज पे क्या हुआ, ये सब हमने पिछले बार देखा था। उसके आगे हम देखते हैं। रिलैक्सिंग सम ऑफ द वुमेन कैजुअली स्ट्रेच्ड देयर लेग्स टुवर्ड्स बाबा विच इन द ईस्ट इज कंसिडर्ड बैड मैनर्स एंड डिसरिस्पेक्टफुल टू ए गुरु। अरे बापरे परत काय आलं, एक मिनिट हा, सॉरी। हाँ तो यहाँ पर वो लोग जो रिट्रीट पहुँच गए हैं इस कैलाकोम जगह पर, अब वहाँ बैठे बैठे सब लोग आपस में बातें कर रहे थे तो अपने आप को रिलैक्स, सामने देखो वायर है, सॉरी, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो पाश्चिमात्य महिलाएं थे उन्होंने अपने पैर फैला दिए, लंबे किए और वो बाबा की तरफ किए, जबकि गुरु की तरफ या ईश्वर की तरफ हम ऐसे पैर लंबे करके बैठते नहीं, पालती मार के बैठते नहीं, मतलब उल्टा पैर करके ऐसा। तो ये सब जो है पौर्वात्य देश में गुरु की तरफ अनादर समझा जाता है इसको। Eastern men kept quiet about the women's casualness and Baba did not correct them. तो ये बात जो है, जो पुरुष जेंट्स लोग थे वहाँ पर
पौर्वात्य जेंट्स लोग जो बाकी सब आदि काका वगैरह जो उस समय में कौन था, राव साहेब चांची वगैरह साथ में थे, तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि बाबा की तरफ ऐसा पैर फैला के कैसे ये महिलाएं बैठती है। लेकिन उन्होंने वो चुप बैठे, उन्होंने कुछ कहा नहीं और बाबा ने भी उनको कुछ सही नहीं किया, चुपचाप बैठे। डिस्पाइट मेरिड्स ऑनगोइंग डिसअप्रूवल, बाबा कंटिन्यू टू प्रमोट अ केयर फ्री एटमोसफियर। अब मेरिड स्टार के बारे में थोड़ा यहाँ मैं बताना जरूरी समझती हूँ, कुछ लोगों को तो याद होगा। मेरिड स्टार जो है ये पाश्चात्य देश से लिंग संबंध प्रस्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थे। उनके माध्यम से बाबा पाश्चात्य देश गए, कई सारे लोगों से संपर्क हुआ। लेकिन मेरिड स्टार का स्वभाव कैसा था, वो अध्यात्म में रुचि लेते थे और मेडिटेशन के प्रति बहुत अधिक आग्रही थे, और जिसे कड़ी उपासना कहते हैं, जैसे कर्मकांड बोलते हैं, इनके प्रति उनको स्वाभाविक रुचि थी। और उसको संभालना मतलब बिल्कुल रूखा सूखा सीरियसनेस, और ये सब उनके आध्यात्मिकता में ईश्वर के प्रति जाने का मार्ग का तरीका था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेरिड स्टार के रिट्रीट में ही बाबा रहते हैं, मेरिड स्टार के अपने स्टूडेंट्स भी वहाँ पर, शिष्यगण भी था उसका ध्यान धारणा का। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बाबा ने क्या किया कि उनकी मान्यता नहीं थी, मेरिड स्टार नाराज हो गए। इसके बावजूद बाबा ने एक आरामदायी, केयर फ्री, चिंता मुक्त, रिलैक्स ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पर बनाए रखा, जैसा हंसी मजाक बातें करना, बीच पर सबको लेके घुमाने जाना, घूमने जाना, ये सब मेरिड स्टार को पसंद नहीं था। पर उसके मना करने के बावजूद बाबा ने ये कंटिन्यू किया। ही टुक डिवोटीज, मतलब बाबा टुक डिवोटीज फॉर वॉक्स ऑन द बीच, क्लाइंब सराउंडिंग क्लिफ्स and played cricket, ping-pong, and tidily winks with Ali, Zila, Kitty, and Kenneth Ross. तो बाबा ने क्या किया, ये जो लोग थे Ali, Zila, Kitty, Kenneth Ross कौन थे, एक an early follower of Meher Baba, who played the big pipes in welcoming Baba to East Canacombe in Combe March in UK in 1931. ये जो केनेथ रॉस थे उनके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इन सब के साथ बाबा क्या करते थे, इनको बीच पर घुमाने ले जाना, पहाड़ की टीले पर चढ़ जाना, क्लिप्स पर पहाड़ पर चढ़ाई करना, क्रिकेट खेलना, टेबल टेनिस खेलना, ये सब बातें इनके साथ करके बाबा एक हंसी मजाक लाइट एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे, जिसके लिए मेरिड स्टार को ये सब पसंद नहीं था। वन ऑफ द पीपल बाबा मेट ऑन दिस विजिट टू ईस्ट कैलेकोम वॉज एडिटर यूटोपियन टाउन प्लानर एंड ड्रामा क्रिटिक चार्ल्स बी पदम, हु वुड लेटर राइट टू मेजर बायोग्राफीज ऑफ मेहर बाबा। ये जो हम अभी आज दो चार पन्ने पढ़ेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण है। कम पेजेस में वहाँ जहाँ बाबा गए उसकी पूरी जानकारी यहाँ दी है। अगर कोई जाने वाला है तो वो लिख ले सकता है ये सारे नाम अपनी डायरीज में कि कहाँ कहाँ बाबा गए। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है, पर्सन से बाबा के कांटेक्ट में आए, चार्ल्स पदम, सीबी पदम से हम सब लोग भलीभांति परिचित है। मेहर बाबा के जो चरित्रात्मक किताब उन्होंने लिखी, तो वो भी बाबा के कांटेक्ट में इसी समय आए और यहाँ पर बाबा उनसे मिले हैं। ये एडिटर थे और एक परिपूर्ण शहर रचनाकार थे, और जो नाटक वगैरह है उसके टीकाकार थे। तो बाद में ये बाबा के पूरे भक्त हो गए, डिवोटी हो गए, और उन्होंने बाबा चार्ल्स पदम की किताबें हैं।
ने गुजारे को मार्टिन रिट्रीट में, मतलब मेरेडिक स्टार ने जो बनाया था आश्रम उसमें, लेकिन बाबा को वहां पर का रूखा सूखा व्यवहार नहीं था और बाबा का कैजुअल व्यवहार मेरेडिक स्टार को पसंद नहीं था। तो वहां पर 10 दिन गुजारने के पश्चात बाबा ने लंदन वापस जाने का निर्णय लिया। आगाली एंड अदर्स ट्रेवल विथ हिम बैक टू द सिटी वेयर बाबा एंड अली अगेन स्टेड इन द डेली फैमिली होम। तो आगा अली के साथ सभी बाबा के साथ वापस शहर में, मतलब लंदन शहर में आ गए, क्योंकि ये रिट्रीट जो है दूर है शहर से, और जहाँ पर बाबा और आगा अली फिर से किटी जीवी के पिताजी का, मतलब परिवार का जो घर था उस किटी जीवी के परिवार के घर में ये सब लोग रहने गए। On the afternoon of September 25, another westerner came to meet Baba for the first time. 25 सितंबर की शाम को और एक वेस्टर्नर बाबा को पहली बार मिलने आया। वो कौन थे? क्विंटिन टॉड, जो हम जानते हैं कि बाबा आगे ये भी बाबा के अच्छे शिष्य हो गए, क्विंटिन टॉड। इनकी उम्र थी 46। क्विंटिन टॉड 46 was a British actor, dancer and choreographer working in London and New York. तो ये बहुत बड़ी हस्ती थी, ये ब्रिटिश अभिनेता थे, डांसर थे, कोरियोग्राफ तो सबको पता है कि जो डांस का डायरेक्शन करते, कोरियोग्राफर थे, और ये लंदन और न्यूयॉर्क में काम करते थे। क्विंटिन हैड मेट मार्गरेट क्रास्क एंड नेबल रियान द प्रीवियस ईयर एंड बीफ्रेंडेड देम। तो मार्गरेट क्रास्क को हम सब जानते हैं कि वो एक डांसर थी, बैले डांसर थी, उसका अपना डांस के क्लासेस थे मशहूर। अर्ली डेज इन 1938 वाईफाई यूज नहीं करना प्लीज, बंद रखो अपना मोबाइल, सॉरी। तो ये जो रियान, मेबल रियान थी, ये मार्गरेट क्रास की बैले डांस में, जो बैले डांस का उनका स्टूडियो था, इसमें वो उसकी भागीदार थी, और बाबा के साथ उसने भारत में और काफ़ी समय गुजारा। इसकी बहुत अकाली या जल्दी मृत्यु हो गई 1938 में, उसकी मृत्यु के पहले बाबा ने उसे खूब अवसर दिया, खूब अपना सहवास दिया। He had an interest in spirituality and when Margaret returned from Combe Martin retreat, she told Quentin about Meh Baba, which sparked his interest. तो ये जो मैबेल रियान थे, ये जो है इनको आध्यात्मिकता में बहुत रुचि थी, और मार्गरेट जब कोम्बे मार्टिन रिट्रीट से आए तो उन्होंने क्विंटिन टॉड इनको भी बताया बाबा के बारे में, और इसकी वजह से इनके मन में बाहर बाबा के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। क्विंटिन वॉज नर्वस, क्विंटिन टॉड जो है बाबा को पहली बार मिलने के लिए एकदम उदास, हताश, निराश थे, नर्वस थे। क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ जेवी होम टू बाबाज रूम, he entered and found Baba sitting cross-legged on the bed by the window with Aga Ali and Chanji at his side. तो जब Kitty Devi के घर में बाबा रुके थे, वहाँ पर Quentin Todd उनको मिलने गए, लेकिन वो थोड़े से जैसा होता है ना, अजनबी पहली बार मिलने जा रहे हैं, उनके बारे में इतना कुछ सुना है, पढ़ा है लोगों से, और जैसा हम जानते पाश्चात्य दोष लोगों के कई सारे दोष होते हैं, कई सारे उनके मन में अपराधी भावनाएं रहती हैं अपने कृत्यों के बारे में। तो जैसे ये नर्वस थे क्विंटिन वहाँ जाने के लिए, तो जैसे वो किटी देवी के घर के सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उन्होंने बाबा की रूम में प्रवेश किया। जैसे बाबा के रूम में उन्होंने प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, बाबा अपने बेड पर पैर फैला के बैठे थे, पैर फैला के या पालती मार के, यहाँ पर ठीक से समझ में नहीं आया, क्रॉस लेग पैर फैला के भी हो सकता है, पालती मार के भी हो सकता है, वो खिड़की के पास अपने बिस्तर पर बाबा बैठे थे।
और बाबा के अगल बगल में चांजी और आगाली थी। सिंपल कैजुअल वे 20 लेटर रिकॉल दैट ही कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द टू अदर पीपल इन द रूम। 20 टोर की ये बाबा के साथ पहले मुलाकात। लेकिन वो कहते हैं बाद में उन्होंने बताया कि बाबा की अगल बगल में अली और चांजी थे, लेकिन जब क्विंटिन बाबा से मिले तो उनको इन दोनों का थोड़ा भी होश नहीं था उनकी मौजूदगी का। उनके वहाँ होने के बारे में वो भूल गए, मतलब केवल बाबा के इतने प्रभाव में वो आ गए कि बाकी चीज की उनको एहसास नहीं था, ऐसे कह सकते हैं। बाबा स्माइल्ड and motioned for Quentin to sit beside him. बाबा ने उनको स्मित हास्य किया और उन्होंने बाबा ने उनको बताया कि अपने बगल में बैठने के लिए, बाबा के बगल में बैठने के लिए उनको कहा गया। ये पाश्चात्य लोग बड़े नसीब वाले हैं। बाबा ने उनको खूब प्रेम दिया, खूब लाड प्यार किए। और ये लोग कहते हैं कि बाबा जो पाश्चात्य आए तब बाबा अलग थे, और कुछ साल बाद जब ये बाबा को मिलने और मतलब भारत आ गए तब वहाँ के लोग जिस प्रकार का आदर सत्कार बाबा का करते थे, जिस प्रकार के नमन वगैरह करने, बाबा का उच्च स्थान और बाबा का व्यवहार उनके साथ, वो देख के उनको लगा वो मिस कर रहे थे बाबा को। और उनको लगा कि एक दूरी उनको लगा कि बीच में तैयार हो गई क्या, लेकिन ये बाबा के तरीके थे। पौर्वात्य तरीके से शायद ये पाश्चात्य लोग बाबा के संपर्क में आने से शायद हिचकिचाहट होती थी या दिक्कत होती थी, और बाबा को तो अपने सर्कल के लोगों से संपर्क करना ही करना था। एनीवे, व्हेन बाबा जेंटली पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, क्विंटिन फेल्ट ट्रेमेंडस लव एंड पीस एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ रीयूनाइटिंग विथ ए लॉन्ग लॉस्ट। तो बाबा ने उनके कंधे पे जैसा थपथपाया तो क्विंटिन कहते कि मुझे खूब प्रेम और अनंत शांति का एहसास हुआ, और ऐसे लगता कि बरसों से, युगों से जिस अच्छे दोस्त से मैं बिछड़ गया था उससे मेरी वापस मुलाकात हो गई। इस तरह से भावना क्विंटिन के मन में आई। ही वुड फॉलो बाबा फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। उसके पश्चात क्विंटिन टोर ने पूरे जीवन भर बाबा को फॉलो किया, वो बाबा के बन के रह गए। ऑन सेप्टेम्बर 26 बाबा टुक अगाली एंड अदर्स टू सी द लंदन कोलिसियम टू एंजॉय द म्यूजिकल कॉमेडी व्हाइट हॉर्स इन। तो 26 सितंबर को बाबा अगाली और बाकी सबको ले करके लंदन के कोलिसियम में, या जिसको हम स्टेडियम कह सकते, थिएटर कह सकते, उसमें एक म्यूजिकल कॉमेडी थी व्हाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़े का, व्हाइट हॉर्स इन, ऐसी म्यूजिकल कॉमेडी थी, है ना। हमारे यहाँ जैसा होता था पहले के ज़माने में नाटक हुआ करते थे, नाट्य संगीत, संगीत नाटक हुआ करता था। नाटक तो हुआ करता था लेकिन पूरा नाटक जैसे संगीत सौभद्र वगैरह नहीं था, संगीत के माध्यम से था। तो ये प्ले तो था लेकिन कैसा कॉमेडी प्ले था, और वो भी म्यूजिकल कॉमेडी था, म्यूजिक और कॉमेडी। एट द परफॉर्मेंस बाबा मेट कॉर्डिलिया डेलन 30। तो वो जो शो देखने को गए वहाँ बाबा के मुलाकात हुई कॉर्डिलिया डेलन। डेलिया डेलन आप सब लोग जानते हैं, उसकी उम्र तब 30 साल थी। उसकी किताब है लव सो अमेजिंग। तो ये डेलिया डेलन जो है इसी, ये बाद में बाबा की पक्की भक्त बन गई और बाद में इसने एक दो तीन किताबें भी लिखी हैं। और जो बाबा के पैरों का नक्शपा है, चरण कमल जो है, बाबा के पैर के निशान जिसको कहते हैं, है ना, नक्शपा कहते हैं, फुटप्रिंट्स बाबा की प्लास्टर ऑफ पेरिस में उसने बनवा के ली। ये जो यूनिक अद्भुत रेयर चीज़ है ये डेलिया डेलन ने, उसने मणिमय के साथ 9 महीने तक पत्राचार किया था परमिशन लेने के लिए। अभी ने अगली विजिट में जब बाबा अमेरिका गए तो बाबा के पैरों के निशान लेने के लिए 9 महीने तो उसने करस्पॉन्डेंस मणिमय के साथ किया, तब उसको अनुमति मिली थी, परमिशन मिली थी कि बाबा के पैरों के निशान प्लास्टर ऑफ पेरिस में बना के उसको स्टोर करने के।
तो पूरे विश्व में तीन ही है, उसमें से एक है मेहर माफी में, आपने देखा होगा वहाँ पर, और एक म्यूजियम में मेरे ख्याल से रखा गया है। तो ये जो डेलिया जलन थे वहाँ पर बाबा उसकी मुलाकात हुई। डेलिया वुड ऑल्सो बिकम अ लाइफ लॉन्ग फॉलोअर, तो बाबा के पूरे जीवन काल में बाद में उसने बाबा को ही फॉलो किया, बाबा की रहके हो गए। इसके बारे में फुट नोट नीचे दी गई है, उसको पढ़ेंगे। एक्ट्रेस एंड को फाउंडर ऑफ द क्यू थिएटर इन लंडन, मेनी ब्रिटिश मूवी स्टार्स बिगैन देयर करियर्स। ये डेलिया जलन जो थी ये एक अभिनेत्री थी, और क्यू थिएटर करके जो थिएटर लंदन में है उसकी उस संस्थापक थी। और ये थिएटर वहाँ बहुत महत्वपूर्ण अहम है कि काफ़ी सारे जो ब्रिटिश मूवी स्टार्स है वहाँ पर, उन लोगों ने अपने करियर की शुरुआत ये क्यू थिएटर में की थी। Dylan traveled through Europe with Baba and spent time in India with him. तो पूरे यूरोप में उसने बाबा के साथ प्रवास किया। डेलिया जलन को वो सौभाग्य मिला बाबा के साथ पूरे यूरोप में घूमने का, और भारत में भी उसने बाबा के साथ काफ़ी सारा समय गुजारा। There were ongoing efforts to bring Baba and Mahatma Gandhi together. While both were in London, महात्मा गांधी और मेहर बाबा जब दोनों भी लंदन में थे तो दोनों को इकट्ठा लाने के काफी सारे प्रयास चल रहे थे। On September 28, 1931, Gandhi wrote Chanji from his 88 King's Bridge address. तो 28 सितंबर 1931 को महात्मा गांधी ने चांजी को लेटर लिखा। महात्मा गांधी का निवास स्थान 88 King's Bridge, सॉरी नाइट्स ब्रिज, ये एड्रेस से महात्मा गांधी ने चांदजी को लेटर लिखा। वो लेटर नीचे दिया है, उसका जो मैटर है डिटेल्स है। माई डियर दादा चांदजी, माई टाइम इज टू टेक ऑन अप दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गो टू रसेल रोड। विल मेहर बाबा कम टू 88 नाइट्स ब्रिज? तो महात्मा गांधी लिखते हैं कि मेरा इतना मैं इतना बिजी हूँ, व्यस्त हूँ कि रसेल रोड जहाँ पर मेहर बाबा रह रहे थे वहाँ पर आके उनसे मुलाकात करना मुझे असंभव है। तो क्या मुझे मिलने मेहर बाबा, मैं जहाँ रह रहा हूँ 88 नाइट्स ब्रिज, वहाँ पर आएंगे? आगे वो लिखते हैं If he will please come or telephone Sloan 4231, अपना टेलीफोन नंबर उन्होंने दिया, and make an appointment. तो यदि मेहर बाबा मिलने आते हैं तो मुझे फोन करके बताना इस नंबर पर और अपॉइंटमेंट लेकर के आना। The conference work takes up most of my time. Indeed, you can say practically the whole of it, but I must see Meher Baba, if only to look at him, if he can take the trouble to come here. तो महात्मा गांधी जी लिख रहे हैं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी गए थे, तो वो लिखते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस मेरा पूरा समय ले रही है और मैं बहुत ही इसमें व्यस्त हूँ, पूरा समय इसमें मेरा जा रहा है, लेकिन मेहर बाबा को मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है। भले मैं पल भर के लिए उनको देख लूँ, उसके लिए मुझे उनको मिलना ज़रूरी है, लेकिन यदि वो यहाँ आने का कष्ट उठाते हैं तो मैं उनको पल भर के लिए देखना चाहता हूँ। यूएस सिंसियरली एम के गांधी। जो बाबा क्या कहते हैं, हम दुनियादारी की तरफ मुख करके खड़े होते हैं, ईश्वर को पीठ करते हैं। इसका एक अत्यंत सुंदर ये एग्जाम्पल है। अब इसमें दो बातें, ये जब मैं पढ़ रही थी, क्या दुर्भाग्य है महात्मा गांधी का, बाबा उसको लेने के लिए तैयार थे तो बाबा को पता था ये आएगा नहीं, ये सब छोड़ के इसमें लिपटा हुआ है। भले नोबल कॉज होगा, अच्छा हेतु होगा, लेकिन वो आसक्ति बड़ी चीज है। अब अंत में क्या हुआ, एक और महत्वपूर्ण बात है। ये हम सुनते आए हैं कि गांधी जी हे राम बोल के
उन्होंने अपना देह त्याग किया ऐसा कहते हैं। तो जैसा बाबा कहते कि अंतिम क्षण में ईश्वर का नाम लेना यदि उन्होंने किया है, फिर भी बाबा ने बोला है कि उसे मुक्ति के लिए और दो जन्म लेने पड़ेंगे, और दो जन्म मतलब महात्मा गांधी दो जन्म के पश्चात उनको मुक्ति मिलेगी, ये कहीं तो बाबा ने बोल के रखा है। अब उसका रेफरेंस मुझे कृपा करके पूछे नहीं चाहिए, तो ले लो या तो छोड़ दो। एनीवे आगे चलते हैं। ऑन अक्टूबर 2 बाबा अलोंग विथ अली चांजी एंड मेरेडिथ ड्रोव थ्रू लंदन इन अ टैक्सी कंप्लीटिंग ए नंबर ऑफ एरन्स इंक्लूडिंग ए विजिट टू द अमेरिकन एम्बेसी वेयर दे वर गिवन वीजास फॉर देयर अपकमिंग विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का क्या होता है, 2 अक्टूबर को बाबा अली चांदजी और मेरेडिथ स्टार के साथ में टैक्सी में पूरे लंदन में घूमे। कई सारे काम उनको निपटाने थे, उसमें अमेरिकन एम्बेसी को भेंट देनी थी जहां पर उनको अपने आने वाली अमेरिका की विजिट के विजाज मिलने वाले थे। बाबा हैड ओनली टू मेक एन एक्स साइन ऑन द एप्लीकेशन व्हिच प्लीज्ड हिम एज ही स्टिल डिड नॉट विश टू साइन द हिज नेम। वीजा और पासपोर्ट के दस्तखत पर बाबा अपना नाम का सिग्नेचर नहीं करना चाहते थे, उनकी जिद थी। तो इन लोगों ने इसका मीडिया रास्ता कैसा निकाला देख लीजिए। इन्होंने बाबा को मनाया कि बाबा आपको साइन नहीं करना है, आप अपना साइन करके, साइन है ना, इट इज अ साइन आफ्टर ऑल, साइन दस्तखत मतलब कोई भी साइन हो सकता है, जीरो हो सकता है, स्टार हो सकता है। तो इन्होंने बाबा को कहा कि आप अपना नाम का सिग्नेचर मत करो, कर केवल ऐसा क्रॉस करो एक्स, ये आपका सिग्नेचर है करके आप बोल दो और वो सिग्नेचर करो। इससे बाबा खुश हो गए क्योंकि बाबा को अभी भी अपना सिग्नेचर उसमें करना नहीं था। ऑन द फॉर्म बाबाज ऑक्यूपेशन वॉज लिस्टेड एज स्पिरिचुअल टीचर, चांदजी एज सेक्रेटरी एंड अली एज सर्वेंट। तो जो वीजा का पासपोर्ट का फॉर्म था उस पर बाबा का ऑक्यूपेशन मतलब क्या बाबा व्यवसाय करते वो लिखा था, आध्यात्मिक गुरु है, चांदजी उनके सेक्रेटरी है और आगा अली उनके नौकर है, सर्वेंट करके फॉर्म में लिखा गया। That evening was Baba's last in London. ये शाम बाबा की 2 अक्टूबर की लंदन में आखिरी शाम थी। During this final night, a select group of Kitty, May, Kitty's sister, Margaret, Kim Tallhurst, Jelia, Minta Toledano, Jelia's sister, Quentin, and Charles Purdom stayed with Baba until 1 o'clock in the morning. ये बाबा की आखिरी शाम लंदन में थी। तो इन लोगों ने कैसी गुजारी, सवेरे के 1 बजे तक ये लोग साथ में रहे, जागते रहे। ये सारे नाम अभी जो पड़े ये सब बाबा के साथ में सवेरे 1 बजे तक थे। सेवरल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वेप्ट इन बाबाज प्रेजेंस, ये सब बाबा से बेहताशा प्रेम करने लगे थे। बाबा के एक इशारे पर जो भी काम करना चाहो, उन्होंने अपना जीवन बाद में बाबा के लिए दिया जैसा कि हम आगे देखते हैं। तो ये बाबा की मौजूदगी में ये खूब रोए, बाबा का प्रेम, बाबा से बिछुड़ने का दुख इसमें। एट द एंड ऑफ द इवनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ पॉल रॉबिन्स सॉन्ग्स वेयर प्लेड बिफोर बाबा डिसमिस द ग्रुप। तो अंत में इस शाम की अंत कैसे हुई कि पॉल रॉबिन्स के जो गीत है उस समय में वो तबकड़ी वाला रहता था ना, रिकॉर्ड प्लेयर होता था, उसको ग्रामोफोन बोलते हैं हम लोग, नहीं का वो भोपू जैसा रहता था ग्रामोफोन, ये काले रंग की ऐसी तबकड़ी रहती करती थी। तो उस पे पॉल रॉबिन्सन इस प्रकार से वो शाम का एन हो गया और बाबा ने सबको अपने अपने जगह पर भेज दिया। अब यहाँ पॉल रॉबिन्सन्स के बारे में फुटनोट है, जरूर उसको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पॉल रॉबिन्सन्स क्यों, कौन थे, क्या इनका है, मतलब क्या मायने रखता है। सिंगर, एक्टर, लॉयर एंड सोशल एक्टिविस्ट पॉल रॉबिन्सन कौन थे उस समय के, ये लॉयर भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, एक अभिनेता भी थे और गायक भी थे। मेहर बाबा एंजॉयड रॉबिन्सन सिंगिंग एंड वुड ऑफन स्टॉप अदर एक्टिविटीज
जस्ट टू हियर हिज सॉन्ग्स ऑन द ग्रामोफोन. उनके गीत बाबा बहुत पसंद करते थे और ये गीत ग्रामोफोन पर सुनने के लिए बाबा अपने बाकी सब कार्य रुका देते थे, बाजू रख देते थे, जबकि हमको पता है बाबा के लिए अपना कार्य अहम था. लेकिन पॉल रॉबिसंस के गीत के लिए बाबा अपने कार्य अलग रख देते थे. तो ये पढ़ने के बाद मैंने पहले गूगल किया, आप लोग भी करो, पॉल PAUL रॉबिसन RobSON, तो ऐसा डालो पॉल रॉबिसंस सॉन्ग्स, है ना. तो एकाद में शायद भजन ग्रुप में या कहीं आप लोग बोलो वहां पर डाल दूंगी. तो ये पॉल रॉबिसन का जो एक गीत मैंने सुना, तो ये कहानी बूढ़े व्यक्ति का, इट इज ए सॉन्ग ऑफ एन ओल्ड मैन. तो ये एक गाना मैंने सुना था, बाकी मैं ज्यादा खोजा नहीं. आगे चलते हैं. Shortly afterwards, Baba called Kitty back to his room and spelled out on his alphabet board. सब जाने के बाद बाबा ने किटी देवी को अपने रूम में बुलाया और अपने अल्फाबेट बोर्ड पर बाबा ने लिख के उसके उसको पूछा, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्यारी चीज है. हाँ, क्या लिखा बाबा, क्या पूछते किटी देवी को? Which is greater, my love for you or your love for me? बाबा किटी देवी को पूछ रहे हैं, मेरा जो ये महान है कि तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वो महान है. दोनों प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे प्रेम करते हैं, इन दोनों में महान कौन सा है? पहला जो बाबा हमसे प्रेम करते हैं वो, और दूसरा जो हम बाबा से प्रेम करते हैं. आप लोगों को क्या लगता है कौन सा प्रेम महान? जो बाबा हमसे प्रेम करते हम उसको नंबर वन देंगे. जिनको लगता है कि बाबा हमसे जो प्रेम करते वो महान है, वो अंगूठा दिखाए. मतलब हमारे यहाँ पर हम भी ऐसा देख रहे हैं कि जी जी बिल्कुल, आप लोगों का उत्तर सही है. ऐसा ही उत्तर उसने भी दिया, जैसा कि हम लोग सब समझ जाते हैं. किटी हेजिटेटेड एंड देन सेड हिज लव फॉर हर वाज ग्रेटर. थोड़ी देर पहले वो हड़बड़ा गई हिचकिचाहट के साथ, और फिर उसने जवाब दिया कि बाबा तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम है वो अधिक महान है. ऐसा उत्तर जैसा आप लोगों ने उत्तर दिया, ऐसे किटी ने दिया. बाबा स्माइल्ड इन अप्रूवल, और ये बाबा को अच्छा लगा. बाबा ने इसको अप्रूव किया, पसंती दी, और बाबा ने एक मुस्कुराहट के साथ इसको पसंती दी. On the morning of Saturday, October 3, Baba began his journey from England to Istanbul. 3 October, शनिचर के दिन सवेरे बाबा ने अपनी यात्रा इंग्लैंड से इस्तांबुल जाने के लिए शुरू की. अब साथ में कौन कौन था? आगा अली, चांदी, रुस्तुम, मेरेडिथ अकम्पेन हिम. मेरेडिथ्स वाइफ मार्गरेट एंड डेलिया डेलर, मेरेडिथ्स वाइफ कॉमा, हाँ, मेरेडिथ स्टार्स वाइफ मार्गरेट एंड डेलिया डेवन ट्रैवल विद द ग्रुप एज फार एज डोहर ऑन द कोस्ट ऑफ इंग्लैंड. कि जैसे हम बाबा के चरित्र में देखते हैं, ये लोग खूब चाहते थे कि बाबा के साथ कितना खूब समय बिताए, लेकिन हर एक जगह के खर्चा एक एक ने उठाया था. किसने कौन सा खर्चा उठाया, किसने कौन सा खर्चा उठाया, तो इनको बाबा के साथ कहाँ तक जाने की अनुमति है यह बाबा डिसाइड करते थे. तुम यहाँ तक आओ, तुम यहाँ तक आओ, तुम मेरे साथ प्लेन में आओ, तुम मेरे साथ कार में आओ, ये सब बाबा डिसाइड करते थे. तो ऐसे इन लोग जो है मार्गारेट, डेलिया डिलन, ये सब, ये इन लोगों ने भी, ये पूरे ग्रुप ने बाबा के साथ यात्रा की. और डोहर जो है, जो इंग्लैंड के किनारे पर है, कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, वहाँ तक वो बाबा के साथ रहे. बाबा के साथ उन्होंने यात्रा करके बाबा के सहवास का खूब आनंद लिया. आफ्टर फेयरिंग अक्रॉस द इंग्लिश चैनल द ग्रुप बोर्डेड द वेनिस सिम्प्लोन ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन इन कैलियर कैलाइस. तो
पहले इंग्लिश खाड़ी जो है वहां से उन्होंने एक फेरी बोट से यात्रा की, वो खाड़ी क्रॉस करने के पश्चात ये पूरा दल जो है वेनिस सिम्प्लोन ओरिएंट एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ गया। कौन सी जगह पर? कैलाइस, ये जगह पर ये लोग ट्रेन में चढ़ गए। बाबा शेड हिज कंपार्टमेंट विद अगाली ओनली, हमेशा के जैसे बाबा की रूम हो, बाबा शिप में हो, बाबा जहाज में हो, बाबा ट्रेन में हो, बाबा के साथ अगाली हुआ करता था। तो फिर से बाबा ने अगाली के साथ अपना कंपार्टमेंट शेयर किया। चांजी एंड मेडिट शेयर्ड अनदर कंपार्टमेंट, दूसरे कंपार्टमेंट में चांजी और मेडिट स्टार थे एंड रुस्तुम हैड हिज ओन, रुस्तुम अकेले थे अपने कंपार्टमेंट में। डिट्रेनिंग द नेक्स्ट डे इन मिलान इटली, द ग्रुप वॉज मेट देयर बाय एनिड कॉर्फे who brought snacks for them to enjoy before resuming the long train journey. तो इटली में मिलान जो जगह है आप सब जानते होंगे, वहाँ पर ये ट्रेन से पूरा दल उतर गया। वहाँ पर उनसे एनिड कॉर्फे मिले, उन्होंने इन सब के लिए नाश्ता लाया था कि अपना आगे की लंबी यात्रा शुरू करने के पहले ये नाश्ता खाओ करके। अब ये एनिड कॉर्फे कौन है इनके बारे में जान लेते हैं। An early follow-up में है बाबा, कॉर्फे often showed up to visit बाबा। ये शुरू के दिनों का बाबा का फॉलो था और वो काफी बार बाबा को मिलने आया करता था। Continuing on via Venice, Trieste, Belgrade and Sofia, they finally reached Istanbul on October 6th. तो वेनिस, ट्रिस्टे, बेलग्रेड, सोफिया, यहाँ से निकलते निकलते अंततः वो लोग 6 अक्टूबर को इस्तांबुल में पहुँच गए। The group disembarked, staying at the Hotel Continental there. तो इस्तांबुल में लिख लो कहाँ ये लोग रुके, होटल कॉन्टिनेंटल में रुक गए ये पूरा ग्रुप वहाँ पर। क्या है ना, आप सब लोग ध्यान रखना आगे से, आप अपने आप से जब भी कोई किताब पढ़े, चाहे वो लॉर्ड मेहर हो या और कोई किताब हो, कोई वेस्टर्न की किताबें हो जिसमें ध्यान से बारकाई से सारे तफसील दिए होते हैं, एक डायरी साथ में लेके बैठने का है ना, और वो डायरी में एक सेक्शन करने का या ट्रैवल डायरी लिख ही लेने अलग से बनाने का। और जैसे जैसे आपको ये जगह आती है, जैसे इटली मिलान, कौन सा होटल बाबा रुके थे, तो ये होटल कॉन्टिनेंटल, ये लिखते जाने का लिखते जाने का। और ये ट्रैवल ग्रुप में बाद में जैसे वो जगह आएगी तब शेयर करने का, या तो खुद बोलने का कि मुझे ये जगह के बारे में शेयर करना है। तो जैसे आज अभी कल से हम लोग लोनावला में है, तो लोनावला के बारे में मैंने लिख के रखा था एक डायरी में, और जब ग्रुप आया था विजय आड़े कई लोगों को लेके आए थे 2 साल पहले, तो उनको मैंने सारी जगह दे दी थी, तो उन्होंने बोला हमको कुछ भी नहीं मिले। तो आज नाश्ते के बाद में हम वो अभियान पर निकले, गाड़ी हमारी बस स्टैंड वहाँ पर एक फ्री पार्किंग है, हमने पहले कल 2 घंटा 8-10 अलग लोगों से बातचीत की, यहाँ का लोकल सबसे बूढ़ा कौन है, तो हमको पुराना शहर कहाँ है, कैसे जाना है, ये कौन सा सबसे कपड़े का पुराना व्यापार, सारी जानकारी लेके रखी, कहाँ गाड़ी लगाना है, पैदल जाना है, वहाँ गाड़ी पार्क किया, एक ऑटो वाले से बताया, लिख के रखा था यहाँ ये जगह जाना है, तो कितना लोगे क्या लोगे, जबकि 800 मीटर में सब था, लेकिन एक तो बारिश और हमको पता नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के जाएंगे तो 5 मिनट के काम के लिए 2 घंटा जा सकता है। तो ऐसा उससे उसको दिखा दिया सारा ये लिखा हुआ, और फिर उसको खूब घुमाया, उसको उन लोगों को कोई ये नहीं रहता है, उसने 250 मांगे, हमने 300 दे देने का। तो ऐसा कर करके हमने आज बाबा ने बोल सकते हैं संतुष्टि है, बहुत अच्छा कुछ उसमें, वो अभी मैं ट्रैवल ग्रुप में डालूंगी नहीं तो वो अलग लेक्चर हो जाएगा। चलो अपना बुक रीडिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मतलब कौन सा दुकान था, रमजो अब्दुल्ला कहाँ रहते थे,
डॉक्टर गनी का क्लिनिक कहाँ था, अब वहाँ कौन है, उनका कब्रिस्तान कहाँ है, वो आमराई, अभी प्रताप अहिर काका बोलते थे कि आमराई नहीं मिल रहे हैं, आमराई तो वो सब जाना अच्छा है खूब, या तो उसका एक अलग लेक्चर एक्सटेंडेड करेंगे ये बोलने के पश्चात, हम चाहे तो ये हमारा आज का बुक रीडिंग होने के बाद चाहे तो 10-15 मिनट आपको रुचि है इंटरेस्ट है तो उसमें बात करेंगे, अभी सब दिमाग में ताजा है आज का, तो आगे चलते हैं। बाबा अगेन इनिशिएटेड ए सर्च फॉर अ गुड बॉय, बाबा ने अच्छा आदर्श लड़के की खोज वापस शुरू की, कहां पर, इस्तांबुल में। ए हैंडसम बॉय ऑफ 16 वाज फाउंड, एक बहुत सुंदर ऐसा 16 साल का बच्चा खोजा गया, द सन ऑफ अ लोकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चेंट, वो स्थानिक जो आयात निर्यात करने वाला व्यापारी था उसका वो लड़का था, द बॉय स्पोक मेनी लैंग्वेजेस एंड वॉज इंस्टेंटली ड्रॉन टू बाबा, ये लड़का 16 साल का होके भी कई सारी भाषाएं बोलता था और तुरंत बाबा की तरफ आकर्षित हो गया। बाबा लेटर विजिटेड द मॉस्क ऑफ हजिया सोफिया विथ हिम, इसके पश्चात बाबा ने यह हजिया सोफिया जो मस्जिद थी वहां पर बाबा उस बच्चे के साथ गए। अब ये हजिया सोफिया मॉस्क के बारे में हम सुनेंगे, पिछले बार हमने सुना था कि जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है ना ईरान में, तो उस जगह पर बाबा ने आधी रात को एकांतवास लगातार 3-4 दिन किया था, एक एक दो दो घंटे का। अब हम सुन रहे हैं कि इस्तांबुल में बाबा हजिया सोफिया इनकी दरगाह पर या मॉस्क पर गए। अ मॉस्क इन इस्तांबुल नोन फॉर इट्स यूनिक आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द बिजेंटाइन एंड ओटोमन एम्पायर्स, तो जैसे बोलते हैं ना एक ये शैली और वो शैली, हिमाडपंथी, जैसे मंदिरों के बारे में नहीं बोलते हिमाडपंथी शैली है, जैन शैली है, अलग अलग शैली के मंदिर वगैरह का एक डिजाइन होता है, आर्किटेक्चर का नमूना होता है, स्थापत्य कला का, शास्त्र का। तो ये जो मस्जिद है ये एकदम अलग असाधारण स्थापत्य कला की सुंदर उदाहरण है इस्तांबुल में। ये जो है ये बिजेंटाइन और ओटोमन एम्पायर जो साम्राज्य थे वो दोनों का सम्मिश्र स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है। After this, they went to a nearby museum which was closed. ये मॉस्क को, मस्जिद को भेंट देने के पश्चात वो बाबा और वो लड़का कहाँ गए, पास में एक म्यूजियम था लेकिन वो बंद था। The museum may well have been the Topkapi Palace Museum which houses relics of the Prophet Muhammad, his robe, footprints, bow and hair from his head. तो ये म्यूजियम बहुत महत्वपूर्ण था इस्तांबुल में, हाजी सोफिया की मस्जिद के पास में या कहीं होगा, तो ये म्यूजियम बंद था। ये बहुत रेप्यूटेड, काफ़ी परिचित म्यूजियम है ये म्यूजियम। इन्होंने अंदाज़ा लगाया है यहाँ पर राइटर ने कि टोपकापी पैलेस म्यूजियम उनका नाम दिया है, यही ये म्यूजियम हो सकता है, टोपकापी पैलेस म्यूजियम यदि कोई लिख रहा है तो। और इसमें क्या है कि जो मोहम्मद थे अवतार, इनकी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर संभाल के रखी है, जैसे कि उनका सदरा है, उनके फुटप्रिंट्स है, नक्शपा है, उनका बो है, उनका बाल भी वहाँ पर है, मोहम्मद का बाल इस्तांबुल में एक टोपकापी पैलेस म्यूजियम पर है। थ्रूआउट हिज विजिट इन इस्तांबुल बाबा एंड द अदर्स वेयर कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विद द टर्किश पीपल, तो इस्तांबुल में जब तक बाबा रहे लगातार तुर्की लोगों के साथ उन्होंने संपर्क बनाए रखा। बाबा वॉज नाउ इन द ईस्ट एंड डिड नॉट ही वियर अ हैट, जैसे वेस्ट में पाश्चात्य देश में बाबा थे तो हैट पहनते थे, अपने खुले बाल सब उसमें अटक करके रख देते थे,
अब बाबा पौर्वात्य भाग में आए, पूरब की तरफ आए, तो बाबा ने अभी हैट पहनना बंद किया। His long flowing hair caught people's attention. बाबा के खुले बाल, घुंघरालू, चमकते अलग सुंदर बाबा के बालों का कई जगह हमने वर्णन देखा है, तो बहुत सुंदर दिखते थे। तो इन बालों की वजह से लोगों का उनकी तरफ तुरंत ध्यान जाता था। At one point, Baba asked the taxi driver to take them into the slums of the city. एक समय पे बाबा ने जो टैक्सी में वो यात्रा कर रहे थे, वो टैक्सी ड्राइवर को बाबा ने कहा कि शहर का जो झुग्गी झोपड़ी का स्लम्स का एरिया है उसमें हमें ले जाए। Once there, Baba got out of the cab and walked through a few streets before returning to the hotel. तो झुग्गियों के एरिया में जाते ही बाबा टैक्सी से उतर गए और वो जैसे सटी गलियां होती है वो गलियों से लेन से बाबा कुछ चले और उसके पश्चात वो होटल गए। A few days later, during discussions, Baba disclosed why he had come to the Turkish city. कुछ दिन के पश्चात जब चर्चा चल रही थी तो बाबा ने कारण बताया कि वो टर्की सिटी में क्यों आए थे, तुर्की शहर में क्यों आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर बार बाबा अपने कार्य का मकसद बताते नहीं है, उसकी चर्चा नहीं की जाती है, उनके मूड पर डिपेंड है। यहाँ बाबा स्वयं बोल रहे हैं, बाबा ने बताया है, आगे ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मेहर ही सेड, अब आगे का जो पोर्शन है वो लॉर्ड मेहर से उन्होंने यहाँ कोट किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आई हैव कम हियर ऑन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड दो आई मीट नो वन एक्सटर्नली फॉर्मली आई एम डूइंग अ ग्रेट डील इंटरनली। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर मैं बहुत अहम कार्य के लिए आया हूँ, मैं एक्सटर्नली ऐसा किसी से मिल के कोई मुलाकात, भेंट, विजिट, दर्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इंटरनली मेरा बहुत महान कार्य चल रहा है। Although it was once great, at present Turkey is a most debased country too. तो बाबा यहाँ कहते हैं एक समय में यह तुर्की कंट्री बहुत बड़ी थी, महान थी, परंतु अब ये वाताहत हो गई, विस्थापित देश है। To counter the very strong evil forces working here, a powerful spiritual force is required. बाबा कह रहे हैं ये तुर्की कंट्री में, देश में इतने जो दुष्ट शक्तियां बहुत जबरदस्त अभी मौजूद है, उनको नाश करने के लिए, उनको टक्कर देने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, सशक्त ऐसा आध्यात्मिक शक्ति का फोर्स की यहाँ आवश्यकता है। क्या बात है। एंड फॉर दैट रीजन आई हैव कम इन पर्सन, इसी कारण के लिए मैं यहाँ व्यक्तिगत तौर पर आया हूँ। Booking arrangement for the approaching sea voyage to North America was initiated in Istanbul. तो North America जाने के लिए ये लोग समुद्र जहाज से यात्रा करने वाले थे, तो इसके लिए सभी प्रबंधन इस्तांबुल में किए गए। At the same time, Baba ordered Rustum to return to India. And he left the day, next day via Alexandria, Egypt. तो इसी समय बाबा ने रुस्तम ईरानी को आदेश दिया कि वो भारत वापस लौटे और तुरंत अगले दिन अलेक्जेंड्रिया, शायद जहाज होगा, समुद्री जहाज होगा, इससे वो इजिप्ट की तरफ चले गए। बाबा आगा अली एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप बोर्डेड द ट्रेन फॉर मिलान ऑन वेंसडे अक्टूबर 14. 14 अक्टूबर बुधवार के दिन बाबा आगा अली और बाकी दल के साथ मिलान में ट्रेन में चढ़ गए। अनीट हैज बुक्ड 9 डेज ऑफ अकोमोडेशन फॉर द ग्रुप स्टेइंग दिस टाइम एट अल्बर्गो इंपीरियल होटल वेयर बाबा अगेन शेयर्ड हिज रूम विद आगा। इस बार एनीट करके है, पता नहीं। अच्छा, एनीट
वो चार महिलाएं जो है यूरोप की, तो शायद ये उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म होगा, गांगड़े सर यहाँ पर है वो बताएंगे, ENIDNE, पता नहीं शायद, हाँ उन्हीं के लिए ये नाम है शॉर्ट फॉर्म, फैमिली लेटर्स में मिलता है मनी माई के। तो इन्होंने 9 दिन के लिए इस दल का रहने के प्रबंधन किया था अल्बर्गो इम्पेरियल होटल में, कौन से अल्बर्गो इम्पेरियल होटल, जहाँ पर बाबा वापस बाबा ने अपने रूम आगाली के साथ शेयर की, आगाली और बाबा एक रूम में रहे। साइड ट्रिप्स वेयर मेनी, इसके साथ और छोटी मोटी यहाँ वहाँ जाया करते थे वो। On Sunday, October 18, they went by train into the Italian Alps. तो 18 अक्टूबर इतवार के दिन ये लोग ट्रेन से आल्प्स पर्वत गए, इटालियन आल्प्स। On returning to Milan later that evening, the group went to the theater to see a play and 2 days later drove to Lake Como for an enjoyable outing. तो मिलान से लौटने के पश्चात उस दिन शाम को ये पूरा दल एक थिएटर में नाटक देखने गए, और 2 दिन के पश्चात वो वहाँ से कार से या कोई गाड़ी से बाय रोड लेक कोमो यहाँ पर आउटिंग के लिए, साइट सीइंग के लिए, जैसे कि बाबा हमेशा किया करते थे गए। तो कहीं भी यदि हम जाते हैं और बाबा यहाँ कर कहाँ गए होंगे, ये प्रश्न मन में आता है। तो आजकल जैसा मैंने स्टडी करके रखा है थोड़ा बहुत, तो जितनी साइट सीइंग की प्लेसेस है मशहूर जो पुरानी है, आजकल की नहीं, बनाई गई नहीं, तो ज़्यादातर ये जगह पर बाबा जरूर हम खास थोड़े बहुत तो सभी जगह जाते थे। जैसे अब भोपाल है तो बड़ा तालाब बाबा गए थे, ऐसी जगह है जो कुछ वहाँ पर देखने लायक थोड़ा बहुत, क्यों जाते थे? केवल साइट सीइंग का उनका उद्देश्य था क्या? वो तो ईश्वर है, जहाँ चाहे वो जगह पर देख सकते हैं, लेकिन जो कोई वहाँ पर जन जाएंगे बाद में उनको भी वो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिले, इसलिए वो जो फोर्स है स्पिरिचुअल पावर वहाँ छोड़ के बाबा आते थे। खैर आगे बढ़ते हैं, किताब में जाते हैं। On October 23, Baba received a telegram from Malcolm and Jean Scholes informing him that all was ready for Baba's stay at Hammond on Hudson outside of New York City. अब हम New York City जा रहे हैं। 23 अक्टूबर को बाबा को Malcolm Scholes और Jean Scholes पति पत्नी थे, इनसे एक तार आ गया और इनको बाबा को सूचित किया गया, जानकारी दी कि बाबा के रहने की व्यवस्था हमन ऑन हडसन में पूरी तरह से, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बाहर है, वहाँ पर बाबा और दल की रहने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। अब यहाँ हमन ऑन हडसन के बारे में एक फुटनोट है, वो पढ़ लेते। A retreat outside the New York City that was established for Meher Baba on his first visit to the West in 1931. 1931 में बाबा के लिए खास यह आश्रम बनाया था न्यूयॉर्क सिटी के बाहर, हमन हडसन, जो कोई लंदन जाएगा वो देख सकता है। मालकम एंड जीन, क्या उन लोगों का प्रेम था, एक भेंट के लिए वो बाबा के लिए आश्रम बनाते थे, जगह बनाते थे, सेंटर बनाते थे, और यहाँ वो जो है वही जगह मेंटेन नहीं हो पा रही। मालकम एंड जीन शॉल्स वर्क हार्ड टू सेट अप द स्पिरिचुअल सेंटर व्हिच वाज विजिटेड बाय मेनी वेस्टर्नर्स ड्यूरिंग बाबा स्टे देयर। तो ये सेंटर स्थापित करने के लिए मालकम एंड जीन शॉल्स ने कड़ी मेहनत की, और बाबा की, जब बाबा वहाँ थे तो बाबा की मौजूदगी में कई वेस्टर्नर ये हडसन में आके बाबा की वेट उन्होंने की थी। द रिलेशनशिप बिटवीन बाबा एंड मेरेडिथ स्टार वॉज अनरैवलिंग। बाबा और मेरेडिथ स्टार के बीच के संबंध खराब हो गए थे, अभी खतर आ गए थे। स्टार वुड टेल ऑफिशियल्स एंड होटल स्टाफ दैट बाबा वॉज हिज फ्रेंड एंड आगाली एंड चांजी हिज पर्सनल सर्विस। कितनी खराब बड़ी बात है, जो बाबा को कभी कतई ऐसी बातें पसंद नहीं आएगी।
तो जो होटल स्टाफ था या जहां कहां भी बाबा की रहने की सुविधा की जाती थी, तो वहां मेरेडिथ स्टार क्या कहता था, सब लोगों को ये बताता था कि मेहर बाबा उसके मित्र है और चांजी और आगा अली उसके नौकर है। किसके नौकर? मेरेडिथ स्टार के। Although Meredith had been instrumental as a link to the West for Baba, his days in Baba's company were numbered. हालांकि मेरेडिथ स्टार पश्चिमी जगत के लिए एक बहुत बड़ी लिंक थी, उसके माध्यम से सारा संपर्क यूरोप में अमेरिका में स्थापित किया गया था, परंतु अब बाबा के साथ उसकी कंपनी के दिन भर गए थे। क्योंकि देखो आखिर में हम जो भी करते हैं ना, ये बाबा है, हम उनके दास हैं, धूल मिट्टी पत्थर जैसा बनके उनके पद चरणों की धूल बनना चाहिए, वो नहीं आता है। कई लोगों को उनके बीच में कई सारे अहम और कई सारे आता है, तो अपने आप ही ईश्वर से दूर जाते हैं अपनी हरकतों की वजह से, और किसी कारण नहीं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से वो अपने प्रियतम से दूर जाते हैं। तो हमें हमारा प्रियतम महत्वपूर्ण है कि हमारा अहम, हमारा स्वभाव, हमारा तौर तरीका, हर किसी में कमियां है। ये जब मैं कहती तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुझ में कमियां नहीं है, पर हम में से हर एक को अपनी कमियों पर काम करके उसको दूर करने की हमेशा लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। अच्छा, ये कहते समय मैं ये भी देख रही कि आज आरती नूतन पवन चलित हमारे बीच में उपस्थित है, तो आज आरती नूतन जी करेगी और मधुकर डोंगरे भाऊ आज प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी समय है, 3 मिनट है जी। The following morning, Tuesday, October 27, Baba Aga Ali, Meredith and Chanji boarded the SS Roma for the Mediterranean and Atlantic Passage to New York City. अब न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन अगले दिन सवेरे आगा अली, मेरेडिथ स्टार, चांजी, बाबा, ये सब SS रोमा जो बोट थी, जहाज था, इसमें अटलांटिक पैसेज से वो न्यूयॉर्क जाने के लिए चढ़ गए। देयर इनिशियल 2 केबिन्स वेर क्रैम्प्ड, बट दे मैनेज्ड टू सिक्योर मोर स्पेशियस आउटवर्ड फेसिंग केबिन्स आफ्टर द रोमा डिबार्क्ड पैसेंजर्स द नेक्स्ट डे एट नेपल्स बिफोर प्रोसीडिंग ओवरसीज। जैसे सबके बारे में होता है, उनके बारे में भी हुआ, छोटी छोटी केबिन मिली थी, खराब दिशा की मिली थी, तो अगले दिन जैसे नेपल्स में कई सारे पैसेंजर उतर गए, तो उन्होंने अपने लिए थोड़ी स्पेशियस केबिन और जो समंदर की तरफ मुख होके रहेगी ऐसी केबिन उन्होंने अपने लिए उनका प्रबंध वहाँ पर कर लिया। अर्ली इन द वॉयज मेरेडिथ इंट्रोड्यूस्ड अ यंग वुमन फ्रॉम टोरंटो नेम्ड लॉइस स्काई टू बाबा। तो इस यात्रा के दौरान मेरेडिथ ने एक तरुण महिला के साथ बाबा का परिचय किया, इसका नाम था लॉजी स्काई और ये टोरंटो से थी। इसे मेरेडिथ स्टार ने उसे बाबा से मिलाया। लॉजी वॉज क्वाइट टेकन विथ बाबा एंड विजिटेड हिज केबिन सेवरल टाइम्स। तो बाबा का बहुत प्रभाव लॉजी पर पड़ा और बाबा की केबिन में वो कई बार उसने भेंट की बाबा को मिलने के लिए, वो बाबा के केबिन में कई बार गई। तो यहाँ हमको आज रुकना पड़ेगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज लाइट नहीं गए, कुछ नहीं, अच्छे से बाबा ने संभाल लिया है। और अभी 1 मिनट बाकी है तो मैं माइक ओपन कर देती हूँ, लेकिन जो प्रेयर करेंगे केवल वही अपना माइक ओपन करे, बाकी अपना बंद रखे। आरती के समय बाकी लोग अपना माइक बंद रखे। डोंगरे भाव है हमारे बीच में उपस्थित, तो उनको भी मैं पिनअप कर देती हूँ। और हाँ, जय बाबा भाव, जय बाबा, तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, बाबा की अच्छी तस्वीर भी दिख रही है, तो अभी मैं मुझे अनपिन कर देती हूँ।
कई लोग कहते हैं कि देखना चाहिए चेहरा जो बोलने वाला है। अच्छा समय हो गया, भव आप प्रार्थना शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। ओ परवरदिगार, द प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल, यू आर विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड, नॉन ड्यूअल, बियॉन्ड कंपैरिजन, एंड नन कैन मेजर यू। You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything. And you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Esdan, Ahurmat, and God the Beloved. You are named Izzat, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avtar Meher Baba Ki Jai. Jai Baba. Thank you, Bhav. Badhiya. Jai Baba Nutanji, shuru kariye. Aarti Jai Baba. Jai Baba. वार हर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो आदि सचेतन शांति निकेतन
आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मीर प्रभु आरती अपना मिहिर प्रभु आरती अपना प्रेम दीप में निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं प्रेम दीप ये जना निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं अपना सब कुछ तूने चढ़ाऊं अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु आरती अपना प्रभु आरती अपना जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी करुणा कर लीलाधारी करुणा कर लीलाधारी तुम करुणा बरसाओ मेर प्रभु आरती अपनाओ मेर प्रभु आरती अपना बने आरती जीवन मेरा बने आरती जीवन मेरा आदि अंत का लय हो गेरा आदि अंत का लय हो गेरा फूले नयन आर दिखे सवेरा फूले नयन आर दिखे सवेरा तुम मुझ में छा जाओ प्रभु आरती अपना आरती अपना आदि सचेतन शांति चेतन आदि सचेतन शांति निकेतन नमो ब्रह्मा आओ मिहिर प्रभु आरती अपनाओ प्रभु आरती अपनाओ अवतार मिहिर बाबा तुझे जय बाबा अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच एंड थैंक यू नीलम लवली लाइवली सब लोग अपना अभी माइक वीडियो ऑडियो अच्छा आप लोगों को सुनना है क्या यहाँ की जगह के बारे में लोनावला की हाँ हाँ सुनना है जी तो ठीक है
एक शॉर्ट में बताती हूँ। आज तो ऐसे तो देखो लोनावला में बाबा ये जो कभी